অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় শ্রী বিন্দু দা বিন্দু মাধব মহাশয়কে, উনি আমাদের দেশের প্রতি সমাজের প্রতি যে অপরেশন ওরা কিভাবে থাকে, আর বাংলার কোন পরিচয় বিশ্বে দেওয়ার দরকার না, যার যে পরিধান তার যে বিরাসত দেখলেই সবাই। मैं लोकसभा संवाद केंद्र का संयोजक हूँ पश्चिम सिंहभूम का, और बहड़ागुड़ा में आप लोग सब जानते हैं कि बहड़ागुड़ा में इन्हें चुनाव भी लड़ा था 2014 में, और प्रत्याशी रह चुका हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देता है मैं निभाते रहता हूँ। आशीर्वाद मिलेगा इस बार बहड़ागुड़ा विधायक बनने के, अगर मौका दिया तो पार्टी से? पार्टी अगर मौका देगा, सांगठनिक पार्टी है, कब किसको मौका देना बोलना मुश्किल, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जमीनी आदमी से लेकर ऊपर का आदमी तक नज़र रखता है, और अक्सर आप देखिएगा इसी तरह उदाहरण है, आज द्रौपदी मुर्मू कहाँ थी, उनको राज्यपाल बनाया और राष्ट्रपति बनाया, इसलिए बीजेपी में कब क्या होगा, किसको प्रत्याशी बने बोलना मुश्किल है, लेकिन अंतिम कार्यकर्ता पर भी उनका ध्यान रहता है। विद्युत आज क्यों बुलाया गया था बंगाली समाज कार्यक्रम? आज झारखंड बांग्लावासी उन्नयन समिति की जो पूरे कोल्हान इकाई थे सारे पदाधिकारी को आज मिस्टीनन में हमारे सभापति जो है अचिंतम गुप्त जी उन्होंने बुलाए थे, और हम सब एकत्रित हुए थे सारे जगह से, तीनों कोल्हान के तीनों जिले से, और आज सब हम मिल के निर्णय लिए, क्योंकि हमने कहा था कि जो झारखंड हित में बांग्ला हित में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, ये हम तमाम बंगाली समुदाय की जनप्रतिनिधि से अपेक्षा था। तो निश्चित रूप से हमने रेलवे स्टेशन में जो मांग किए थे कटसला चकुलिया बड़ा इस क्षेत्र से, तो इन तमाम स्टेशनों में जो मिटा दिया गया था लिखा हुआ भाषा बंगला में, उसे विद्युत महतो जी के तत्परता से राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री से मिलकर विद्युत वरण महतो जी ने उसे लिखवाया, इसके लिए तह दिल से बंगाली समुदाय उन्हें धन्यवाद देते, और हम सभी एक निर्णय लिए चूँकि आने वाला कुछ दिनों में चुनाव होगा इस जिला में भी सभी जिलों में भी, तो हम लोग बंगला भाषा भाषी यही सोचे थे कि जो हमारे मांग को पूरा करेंगे हम उन्हें वोट देंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग बट के वोट देते थे तो कोई समझ नहीं पाते थे, निश्चित रूप से हमारे एकत्रित वोट देने के से ये समाज के तरफ से एक मैसेज जाएगा जनप्रतिनिधियों को कि जो समाज का चिंता करेगा जरूर समाज उसे ध्यान देगा, वरना आप केवल वोट का मशीन हमें सोचेंगे तो ये कतई संभव नहीं है हमसे वोट मिलना आपको, इसीलिए आज सभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि विद्युत वरण महतो के समर्थन में हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारा भावना का कदर किया है। मोदी जी एक किसान की तरह, किसान जैसा बादल को देख के भाप लेते कि वर्षा होगी या नहीं, तो मोदी जी जनता का भावना को देख के वो समझ लेते कि अब की बार, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार, क्योंकि उनसे अनुमान हो चुका मोदी जी को जनता अब जाग चुकी, जनता का भावना हो गया देश प्रेम के प्रति, देश के संस्कार, महिला पुरुष और समाज के उपेक्षित वर्गों को लेकर चलने की अगर किसी में क्षमता है तो मोदी जी पे रहे, और जनता इसी की अपेक्षा में थी, वो जनता को दिन प्रतिदिन 10 साल से वो मिलते जा रहा है, इसीलिए मेरे पूरा विश्वास है इस बार मोदी जी फूल मतों से 400 पार कर जाएंगे। जैसे हमने मंगल कालिंद जी का तारीफ करता हूँ, मंगल कालिंद जी ने भी विधानसभा में बात रखे थे हमारे बंगाली समाज को, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो प्रत्याशी है उन्होंने ये महसूस नहीं कि इतना आंदोलन कर रहे बंगला समुदाय राज्य से लेके जिले से गांव से लेके शहर शहर से लेके राज्य तक उनका भावना को कदर करे, इसके पहले कोई जनप्रतिनिधि नहीं किए थे, इसीलिए आज हम सब एकत्रित हैं, और इस कोल्हान में करीब हम अगर पश्चिम सिंहभूम का बात करें तो करीब 2.5 से 3 लाख मतदाता बांग्ला भाषावासी, और पूरा जमशेदपुर को लेंगे तो कम से कम कोल्हान में अभी भी 12 से 14 लाख बांग्ला भाषावासी है, तो निश्चित रूप से हम अगर एकत्रित होकर मतदान करेंगे तो हमारा जो मत है वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि के पक्ष में जाओ के समय इस पानी नाली ये इस बात उठती है, लेकिन पानी नाली आप भी जानते हैं, आप भी अपना दिल से पूछिए, ये पानी नाली देने की बात ये राज्य सरकार के बनता है, केंद्र सरकार फंड आवंटित करता है उसे संचालन करने के लिए राज्य सरकार को पड़ता है, और राज्य सरकार वो पैसा देते हैं विधायक मंत्री के माध्यम से, मंत्री तो उनका है राज्य उनका है, तो ये तो जवाब सत्ता में बैठे उन तीन पार्टी जो गठबंधन सरकार है उनको जवाब देनी चाहिए कि पानी क्यों नहीं मिले गाँव को, शहर वालों को क्यों नहीं पानी मिला। आज अगर झारखंड अलग होने के बाद 22 साल के उपरांत अगर देखेंगे तो ज्यादा तक यही सरकार सत्ता में बैठे रहे, कांग्रेस जेएमएम राजद यही लोग बैठे रहे, तो इन लोग रहते हुए भी सरकार में आज पानी के लिए अगर बोलने पड़े धरना देने पड़े तो ये बड़े शर्मनाक की बात है।
नेशनल हाईवे विद्युत दाह का बहुत अच्छा योगदान है जो आज NH-33 है माड़ा से रांची तक, लेकिन उसमें कमी है ट्रामा सेंटर और मेडिकल सर्विस का, इसके लिए दादा आवाज उठाए थे। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जो है वो जनता का एक एक बात को ध्यान रखनी चाहिए। जहाँ तक इस सड़क की NH को आप देखिए, ये सड़क क्या स्थिति थी, इसी को लेकर कांग्रेस आज से 1.5-2 साल पहले सरकार बनने का पहले कैसे धरना में बैठते थे अजय कुमार जी की गाड़ी तोड़, सरकार तो नहीं कहता मंत्री भी नहीं कहते, ये NH का क्या हाल था, रोड नहीं बन रहा था, ब्लैक लिस्टेड होते जा रहा ठेकेदार लोग। लेकिन आज मोदी जी के काल में गडकरी जी ने सड़क का लेके अगर कोई राज्य सबसे देश आगे बढ़ा हुआ तो गडकरी जी बीजेपी के कार्यकाल में रोड सड़क आगे बढ़ा है। दादा फिर जब इतना विकास ही किए तो फिर हिंदू मुस्लिम मंगल सूत्र जब क्यों बात करता है? हिंदू मुस्लिम का कहीं बात नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तब था, जब 10 साल पहले की बात थी। इन लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से मुस्लिम के कंधा में बंदूक रख के अक्सर कांग्रेस दागते रहते हैं। ये अब मुस्लिम लोग भी जाग चुके, सीख गए, उन लोग भी समझ गए, अब मुस्लिम बहुल भी अल्पसंख्यक भी समझ गए हैं कि अब हम लोग वोट बैंक नहीं है, जो जन देश का काम करेंगे, जो जनहित में काम करेंगे उसी को वोट देंगे। और अल्पसंख्यक भी आज खुल कर बीजेपी का समर्थन में आ रहे, वो लोग समझ गए कि मोदी जी के कार्यकाल में हमें सबसे सुरक्षित है मोदी जी। आज अगर देखेंगे मोदी जी ने जो घोषणा किया है, जो इंदिरा आवास मोदी जी प्रधानमंत्री आवास या आपका स्वास्थ्य योजना, इसमें क्या मुस्लिम लोग को सुनने में फ़ायदा मिलता? क्या गैस योजना जो उज्ज्वला योजना, उसमें मुस्लिम लोग नहीं लेते? इसमें लिख दिया कि हिंदू अलग लेगा मुस्लिम अलग लेगा, ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी देश के लिए सोचते, मोदी जी एक एक जनता के लिए सोचते, गांव से लेके शहर का चिंता करते, इसीलिए मोदी जी को पसंद। मोदी जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी एक समुदाय को लेकर जाए, मोदी जी इस देश को एहसास करा है कि हम सभी के साथ है, सबका विकास करने चाहते हैं। चंपाई दा मुख्यमंत्री जो झारखंड, उन्होंने कहा कि इस बार जिस प्रकार कोल्हान में सफाया हुआ विधायक नहीं आया, इस बार एक संसद या दो संसद भी नहीं आएगा, खाता ही नहीं खुलेगा, ये कैसे कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं? चंपाई दा को जिम्मेवारी मिला एक सीएम का, और पार्टी का सीएम है उसी पार्टी का, तो उनको तो बोलना लाजिम है, क्योंकि बोलेंगे वो सीएम है। लेकिन चंपाई दा, नो डाउट चंपाई दा व्यवहारिक आदमी है, लेकिन चंपाई दा को कितना दिन रहने दे ये सरकार, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अब देख रहे जिस तरह से ये परिवारवाद, पिताजी से बेटा, बेटा से पत्नी, पत्नी को अभी आगे बढ़ा रहे कि थोड़ी देर ये सीख ले, और उसके बाद चंपाई दा को ना, कहीं ऐसा ना हो कि चंपाई दा कुछ दिन बाद सीएम से हटा दे। केजरीवाल का बेल हो गया है, कल तक तो जेल में, अब तो बेल हो गया, अभी इसको लेकर भी विपक्ष परेशान है, बेल नहीं हो रहा तो भी परेशान था, बेल हो गया तो भी विपक्ष परेशान है। हमने कहा ना कि मोदी जी ने कहीं भी न्यायपालिका पर हस्ताक्षेप नहीं करता, ना प्रशासनिक व्यवस्था पर। ईडी ने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना, न्यायालय में जो नियम बनता उस तहत उनको अरेस्ट किए हुए थे, उसके बाद जो बेल बॉन्ड होता है, जो बेल टाइम बेल में उनको छोड़ा है। तो हमारा कहना इसी में तो पूछा जाता, मोदी जी कहीं भी हस्तक्षेप करता तो उनको निकलने नहीं देता, आप गलत किए थे, आप अरेस्ट हुए, आप फिर न्यायपालिका, आपको महसूस किया कि नहीं इनको टाइम बेल में छोड़ना चाहिए, छोड़ दिए, कुछ नहीं बोलने पड़े। अडानी इतनी छोटी आवाज़ है, लैंग्वेज है, अंबानी भी छोटी भाषा है, तुरंत बात में अडानी और अंबानी बोले। अरे राज का तुम्हें जनता ने चुना राज के लिए, हमको अगर MLA बनाया, उस विधानसभा के लिए बनाया, हम विधानसभा का चिंता करेंगे, राज का चिंता करेंगे ना, हम देश का पहले चिंता करें, पहले जिस जनता ने जिस विधानसभा को चुना है वहाँ पर तो पहले देखेंगे। आप अडानी अंबानी की बात कर रहे, आपको तो जनता ने इस राज के लिए चुना, आप राज को क्या विकास दिए? आप जितना भी घोटाला देखिए, 35 करोड़ जो निकला किसके घर से निकला? बीजेपी के मंत्री के घर से निकला? नहीं ना, कांग्रेस के मंत्री के घर से निकला। 500 करोड़ निकला उड़ीसा में बलंगीर में किसके घर से निकला? संसद प्रतिनिधि के घर में से निकला, बीजेपी संसद के घर से तो नहीं निकला। और तो और छोड़िए, एक चपरासी जो सत्ता में बैठे मंत्री CLP है, उनके मंत्री के सचिव, उनकी पत्नी, उनकी पियोन के घर से पैसा निकलता, तो आप सोचिए ये कहाँ ले जा रहा देश को। आज बाजार में है 500 का नोट गायब हो गया था, आज दिखाई दे रहा ना 500 का नोट किसके तिजोरी में है? इस लूट को सोटी 500 करोड़ 35 करोड़ कहाँ से आया इनके पास? ये क्या खेत धोए, क्या ये जमीन काट के, मिट्टी तो काट के ये कमाए 35 करोड़? काबू दत्ता, कांग्रेस बहुत अच्छी घोषणा पत्र, 1 लाख गरीब महिला को रोजगार, अप्रेंटिस में जो रोजगार देगी, 30 लाख वैकेंसी देगी,
क्या ये सही नहीं है? एकदम सही नहीं है। कांग्रेस जेएमएम राजद ये लोग घोषणा के माहिर है, जमीन धरातल पर कहीं नहीं है। आप सोचिए कांग्रेस के ना प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, क्या कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं तो गांव में 10 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज मोदी जी का कार्यकाल है, एक रुपया भेजता है तो डिजिटल में आपका पूरा डिजिटल का थ्रू आपका अकाउंट में पूरा एक रुपया पूरी तरह पहुँचता है। तो ये दोनों सरकार के फर्क है। 15 लाख क्यों लेंगे? मोदी जी घोषणा कभी नहीं किए 15 लाख देंगे, कब बोले थे 15 लाख देंगे? इन लोग जोर जबरदस्ती के इस तरह का हल्ला उठा रहे हैं। मोदी जी ने कहा 15 लाख ने 15 करोड़ लायक कमाने के लायक आपको बना देंगे, और बनते जा रहा, देश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। आप सोचिए ना, आप जाते तो अमित शाह जी इसमें बोला कि जुमला है ना, कौन ये अमित शाह जी कहा कि 15 लाख एक जुमला है। अगर अब ये लोग सोना इधर आलू डालो उधर सोना निकलेगा, वो जुमला नहीं लगता। अमित शाह जी ने बोल दिया तो अमित जी, अरे हम भी बोल देते कि अब चलाइए, राहुल गांधी जन्म से लेकर अब तक जितने भी बात बोले झूठे बोलते, अब चलाइए न्यूज में बोलने को क्या है, कुछ कोई बोल देते। अब उसी को विपक्ष को कुछ चाहिए तो अमित शाह के पीछे पड़ जाते, कभी मोदी जी पे पड़ जाते, कभी सुषमा स्वराज में पड़ जाते। इसका नेचर है इन लोग का। हम लोग क्या बना दिए मछली खाते हुए? मछली खाना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक मछली खाए, लेकिन मछली खाते खाते मछली के साथ इन लोग कैसा कर रहा है ना, रुपया को भी खा जा रहा है। तो मछली में कांटा होता, वो कांटा फंस जा रहा, और कांटा जब फंसता तो उलगता तो रुपया निकल रहा है इनके पेट से, एक एक करके निकल रहा। कहीं हमको नहीं लगता मुस्लिम समाज इस तरह का फतवा जारी करता कि बीजेपी को वोट मत दो। ये एक वीडियो क्लिपिंग कुछ आदमी चला देते अपना स्वार्थ के लिए, हमको लगता है ये विपक्ष का चाल है। और मुस्लिम समाज का आपको ऐसे हम क्लिप दिखा देंगे जहां उन्होंने बीजेपी का झंडा पकड़ के चल रहा है कि बीजेपी को वोट दो, मोदी हमारा सहारा है, तो उसको क्या कहे? उस तमाम मुस्लिम को मेरा स्वागत है, उनको सलाम है, अदाब है, जो मुस्लिम बीजेपी के साथ आज भी सीना तान के चलता है। ये विधायक लोग जितने भी अभी सर है हमारे कोल्हान क्षेत्र के, सभी कोई चुनाव के समय केवल विधानसभा में देखे जाते, गांव वालों को समझाते, क्योंकि हमारे सही बोलिए कि राज अलग हो गया। आज भी कोल्हान के झारखंड के जनता बहुत भोले वाले हैं, वो समझ नहीं पाते। चुनाव के समय ऐसा प्रलोभन दिखा देते हैं कि हम गांव का आदमी है, अब वो जल जंगल हमारा है, हम गांव का आदमी है, गांव में रहेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद देखिए शहर में चल जाते। अब जैसे आपके माध्यम से मुझे मालूम चला कि ये विधायक लोग केवल गांव वालों को भोले वालों गांव को वोट के समय इन्हें याद आता है, चुनाव के समय हर हथकंडा अपनाएंगे, गांव में जाके समझाएंगे कि हम आपका गांव में रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, जल जंगल हमारा है, लेकिन जल जंगल जमीन कटवा के इन लोग अपने तो शहर में बस जा रहा है। ये लोग अडानी अंबानी की बात बोल रहे, डाटा कंपनी को अगर जो मजदूर है उसे क्वार्टर नहीं मिल रहा। कौन विधायक कहाँ बस जाता था कहना है? अब मंगल कालिंदी का क्वार्टर जो है कहाँ है? टिस्को का दिया हुआ है, आपका समीर महंती टिस्को का दिया हुआ है। तो ये लोग केवल बोलने का समय बोलते हैं, तो आपको तो बाड़ागुड़ा से चुनाव जिताना, आपका घर द्वार बाड़ागुड़ा, आपको वहाँ रहना चाहिए, मंगल कालिंदी को जुगसलाई विधानसभा है उनको गांव में रहना चाहिए जहाँ घर है, लेकिन इन लोग नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि इन लोग जनता को तो केवल वोट से मतलब। मंगल ने बोलते हैं कि हम सबसे गरीब विधायक हैं, चप्पल पहन के घूमते हैं विधायक। इन लोग का विधायक को अगर इतिहास देखिएगा, मैं भी कभी उसमें रहता था, मैंने देखा इन लोग जब विधायक रहते तब बहुत गरीब रहते, लेकिन विधायक बनने के बाद सबसे पहले तो एक स्कॉर्पियो होगा, फिर रिबोक का जूता होगा, फिर आपका बड़ा मॉल में जाके मार्केटिंग होगा, और 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाके एक रूम सूट बुक रहेगा। तो ये इन लोग का विकास है। आज जो पटंदा के जो ग्रामीण है उसके ऑफिस में कुछ ना पीने का पानी है ना रहने का। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, आप पटंदा हो, बहड़ागुड़ा हो, चकुलिया हो, इन तमाम क्षेत्र में आज भी ग्रामीण पानी पीने के लिए परेशान है, उनको पानी नहीं मिला, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। तो राज किसके लिए बना था? राज आंदोलन में सबका भागीदारी था, ऐसा नहीं कि लोग विधायक बन गया केवल बोल रहा। हाँ, लेकिन आंदोलन करने का समय जो जिसे हक मिलना चाहिए उसे नहीं, ये लोग विधायक बन गए केवल अपना सुख सुविधा के लिए, लोग जनता के पास से जनमत लेते हैं। संजीव सुधार UCL का क्वार्टर में रह रहा है, हमने कहा ना आप ये तो क्वार्टर देख रही है यहाँ का, रांची चल जाइए, विधायक मंत्री लोग को एक्स्ट्रा सुविधा मिले, जब सरकार उनको सारे सुविधा दे रहा, उनको मंत्री आवास में रहना चाहिए, बड़े बड़े फ्लैट। आखिर जिसका पास अब जैसे कहा कि चप्पल नहीं था पहनने के लिए, मैं नहीं आलो, लेकिन ये तो जनता बोल रहे हैं, हम नहीं, आप हम भी देखे, सब कोई देखे, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक क्वार्टर बन गया, इतना घर द्वार बना रहा, फ्लैट बन रहा, कहाँ से आ रहा है ये?
सारे जनता का, इसीलिए तो अभी आलमगीर आलमगीर जी के यहाँ से 35 करोड़ रिकवरी हुआ। मंगलदा का विधायक जी का गोविंदपुर में अभी पानी नहीं है, वहाँ जमीन विवाद बहुत है, माफिया के साथ साठगांठ होता है, क्या यह ऐसा विधायक को अच्छा लगता है कैसे काम करना? देखिए ये तो उनकी अपनी सोच है, विधायक जनता चुनता है लेकिन जनता भूलता नहीं, पुनः चुनाव आएगा तब जनता उसको एहसास कराएगा कि आप हमारे विश्वास लेके आप हमारा विश्वास को क्यों तोड़े, तब जनता फिर उसको समझाएंगे। समीर दा का राइट हैंड बने हुए जहाँ जहाँ कैंपेनिंग में जा रहे हैं। नहीं समीर महंती तो खुद अपने नहीं, अब देखिए चुनाव जीतने के बाद समीर महंती इसका पहले बहुत अच्छे थे, आंदोलनकारी बात करते थे, हमने भी उसी विधानसभा चुनाव लड़े और हमसे भी बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन चुनाव जीतने का क्या मालूम इन लोग को क्या होता, क्या कीड़ा काट देता कि चुनाव जीतते तो जनता से दूर होते जाते, अपना भाई भतीजा दोस्त या ठेकेदारी योजना टेंडर मैनेज करना, बालू गाड़ी पार करवाना ही करना, इसी में व्यस्त हो जाते, ये भूल जाते कि 5 साल बाद पुनः मुझे जनता के बीच में जाना है और वोट मांगना, तब जनता को हम क्या मुँह दिखाएंगे ये कभी नहीं सोचते। फैमिली से आते हैं और बीजेपी में कई पार्टी जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वोट हम ही को मिलना चाहिए। गरीब परिवार से है तो क्या उनको खाना नहीं मिलता था? उसका भी आप गए समीर महंती का कहने और उनका घर पे जाकर देखे, समीर महंती का गाड़ी है, गरीब का घर में स्कॉर्पियो होता, गरीब का घर में टाइल्स बैठता, गरीब का बैंक बैलेंस होता, तो समीर महंती किससे क्या वंचित है इन तमाम सुख सुविधा से? इसीलिए बोलना और करना कुछ अलग है, बोल रहे गरीब परिवार से लेकिन अब तो अमीर परिवार गिना गया, अभी सबसे बड़ा गुड़ा अमीर परिवार का लाएंगे तो इसमें क्या कहेंगे, बोलेंगे कि हम बहुत अमीर परिवार से हैं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन हर समय बोलेंगे गरीब परिवार से। ऐसा वक्त विवाद में रहते हैं बालू से, ठेकेदार से, कभी रंगदारी मांगना, बहुत मुद्दा भी बहुत बड़ा था समीर का। देखिए ये तो वही बोल रहे हैं ना, इन लोग चुनाव के पहले इस तरह का जनता को बात बोलेंगे, चुनाव जीतने के बाद अपना रूप दिखा देते, इसलिए जनता इसका सबक सीखता है। बहड़ागुड़ा का विधानसभा ऐसी जगह है जहाँ पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति बहुत रहे और उन लोग बारीकी से देखते हैं किसका क्या कर्म है, इसलिए बहड़ागुड़ा में दिखा ये रिपीट कौन होता, विद्युत दा छोड़ के कौन रिपीट हुए और देवी पद उपाध्याय छोड़ के, क्योंकि इन लोग थोड़ा सा समाज के साथ रहते, इन लोग चुनाव जीतने का बाद बदलते नहीं और बाकी लोग चुनाव के बाद बदलते, जनता उसे सबक सिखाते हैं।